नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। प्रदेश में शिक्षा को लेकर जहां करोड़ों रुपए की राशि भवन निर्माण के लिए खर्च की जा रही है, वहीं दूसरी ओर लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार की साठगांठ से भवन का घटिया निर्माण कराकर शासन को चूना लगाया जाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाते हुए जांच की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि नया पूरा भवन निर्माण में नियमों को ताक पर रखकर ठेकेदार द्वारा पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर ऑल व्यक्ति को भवन निर्माण का ठेका दे दिया गया, जिसके बाद निर्माण कार्य करने का लाइसेंस तक नहीं है। इस संबंध में बताया जाता है कि स्कूल भवन के निर्माण का कार्य आज दिनांक तक निर्धारित तिथि निकल जाने के बावजूद भी पूरा नहीं हुआ है। ठेकेदार द्वारा भवन निर्माण स्थल पर भवन निर्माण से संबंधित कोई भी सूची नहीं लगाई गई है, जिससे ऐसी असंख्या व्यक्त की जाती है कि भवन निर्माण में घटिया निर्माण के साथ ही शासन को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। बदामीलाल मंडराई, नयापुरा, एक नंबर वार्ड से उप सरपंच। ये जो भवन बन रही है, ये अभी तक इसका कार्य पूरा नहीं हुआ। इसकी तारीख निकल चुकी है, म्याद निकल चुकी है। बच्चे परेशान हैं, इसमें टीचर भी नहीं है, शिक्षित भी नहीं है। बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। दो शिफ्टों में स्कूल लग रहा है। हाँ,